Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. फ्रेंड्स आपके पास है रेडमी का 11 प्राइम और इस फोन में आपको रिंगटोन चेंज करना है, रिंगटोन सेटिंग करना चाहते हो तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कंप्लीट तरीके से कैसे रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं, अगर डाउनलोड करके रखी तो आप उसको कैसे लगा सकते हैं, ये भी सब आपको इसी वीडियो में पता चलेगा, बस वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स अपनी फोन की जो सेटिंग रहेगी उसको ओपन कीजिए। यहाँ कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो अब आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद अब आप यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह सेंड कर सकते हैं, रिंगटोन चेंज कर सकते हैं और वॉल्यूम को अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो कौन सा वॉल्यूम कितना रखना है आप यहाँ पे आके इस तरह से सेलेक्ट करके उसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है रिंगटोन तो रिंगटोन के लिए रिंगटोन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर फ्रेंड्स आपका नेटवर्क कनेक्शन ओपन रहेगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जो कि अभी मेरे फोन में आया। नहीं होगा आपका नेटवर्क कनेक्शन ओपन को तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ दोबारा से। तो सिंपल इस तरह से आप फोन की सेटिंग फिर से जाइए और यहाँ पर फिर से उसी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो अब आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया होगा। तो अब आपको पहले यहाँ पर मोर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो फोन की रिंगटोन रहेंगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो एक एक करके प्ले करके यहाँ से आप सेट करके लगा सकते हो। अगर फाइल से सेट करना है तो उसके लिए आपको लोकल चूज रिंगटोन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आप फाइल पर सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही फाइल पर सेलेक्ट करेंगे तो जो भी फाइल में आपके गाने रिंगटोन वगैरह होंगी वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर वो सर्च करनी है जो भी आप लगाना चाहते हो रिंगटोन के लिए। इस तरह से क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह सेलेक्ट हो जाएगी एंड ओके कर दीजिए तो आपकी यहाँ पे ऐड ये हो जाती है इस लिस्ट में। तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। तो ये आपकी प्ले होकर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी अप्लाई भी हो जाएगी, वापस आ जाएगी तो ये आपकी फाइल से सेट हो चुकी है। तो इस तरह से फाइल से आप लगा सकते हो। कुछ अदर साउंड की भी सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हल्का सा पहले उसके लिए स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करके आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिशनल सेटिंग में ये सेट कर सकते हैं, जैसे कि जो नंबर डायल करते हैं वो आपको एक टून सुनाई देती है, उसको बंद कर सकते हैं। आप चाहते हैं जो आप फोन पर टैप करें तो आपके एक आवाज़ आना चाहिए, तो उसको क्लिक करके यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, इसको बंद भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्लीज साउंड वेन लॉक स्क्रीन, मतलब जब स्क्रीन को आप लॉक करते हो तो आपको एक आवाज़ आती है, उसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके बंद सकते हैं। इसी तरीके के बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि स्क्रीन शॉट की आवाज़ है, अनइंस्टॉल की साउंड की आवाज़ है, डिलीट की है, चार्जिंग एनिमेशन की है, प्ले ऑडियो स्टार्टिंग है। तो ये सब आप सेटिंग को यहाँ पे आके कर सकते हो, जो भी आप करना चाहें यहाँ आके आप कर लीजिए। तो इस तरह से कंप्लीट सेटिंग आपको रिंगटोन की ये सब इस फोन में देखने को मिल जाती है। अगर आपको रिंगटोन पर आप चाहते हो कि आपका फ़ोन वाइब्रेट होना चाहिए तो आप उसको भी चालू कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहीं पर क्लिक करना हो तो हल्का सा स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इंटरफेस, जो कि रहेगा वाइब्रेट बैंड रिंगिंग। इस ऑप्शन को इनेबल करा के आप रिंगटोन को भी, जो रिंगटोन होती है उसके साथ साथ वाइब्रेट को भी चालू कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट सेटिंग आपको इस फोन में देखने को मिलेगी रिंगटोन की। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।